हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके पास लेकर आई हूँ एक ऐसा फैंटेसी रोमांटिक ड्रामा जिसमें एक वैम्पायर की लव स्टोरी के साथ जबरदस्त लव ट्रायंगल और टाइम ट्रैवल भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो कहानी शुरू होती है इस ड्रामा की फीमेल लीड एइन के साथ। वो साइकिल चलाते हुए गाड़ी के सामने आ जाती है और ऑलमोस्ट उसका एक्सीडेंट होने ही वाला रहता है कि तभी टाइम स्टॉप हो जाता है एंड उसके बाद एंट्री होती है इस ड्रामा के सेकंड हीरो यानी कि एइन के मास्टर सीइन की, जिसने टाइम को स्टॉप किया था। तो एइन अपने मास्टर को देखकर काफी खुश होती है और उनके गले मिलती है और कहती है कि आपके रहते हुए मुझे कुछ हो ही नहीं सकता, आप मेरे रक्षक हैं। उसके बाद मास्टर सीइन टाइम को दोबारा स्टार्ट कर देते हैं और उसे लेकर जाते हैं अपने टी हाउस। ये लोग एक टी हाउस में रहते हैं जो दुनिया की नजरों से छुपा हुआ रहता है, जहाँ पे एइन उसके मास्टर सीइन और फिनियाओ रहता है, जिसे एइन अपने भाई और एक अच्छे दोस्त की तरह मानती है। फिनियाओ एक प्ले बॉय रहता है, उसकी ढेर सारी गर्लफ्रेंड्स रहती हैं। एइन काफी खुश रहती है क्योंकि उसके मास्टर सीइन उसे बताए रहते हैं कि आज उसका फर्स्ट क्लाइंट आने वाला है, जिसका मतलब ये रहता है कि एइन को पास्ट में टाइम ट्रैवल करने का मौका मिलेगा और इसी वजह से एइन काफी खुश रहती है। तो फ्रेंड्स, एइन की ये दुनिया मैजिकल रहती है, उसके मास्टर सीइन काफी पावरफुल रहते हैं, लेकिन एइन अभी मैजिक में कच्ची रहती है और उसे उतने अच्छे से मैजिक करने नहीं आता है। वो चार्म कार्ड्स का यूज करके मैजिक करती है जो कि उसके मास्टर उसे दिए रहते हैं। तो एक हॉस्पिटल से अचानक ही एक डेड बॉडी गायब हो जाती है और आगे जब वो डेड बॉडी मिलती है तो उसके पास से एक सफेद बालों वाला मिस्टीरियस आदमी जाता है जो कि टीवी न्यूज में भी कैप्चर हो गया रहता है। तो उसे देखने के बाद मास्टर सीइन और फिनियाओ दोनों ही परेशान होते हैं और फिनियाओ कहता है कि ये वापस आ गया। तो एइन का बर्थडे रहता है और उसके मास्टर उसे प्रॉमिस किए रहते हैं कि वो उसके साथ फर्स्ट डांस करेंगे। तो दोनों डांस करते हैं, एइन काफी खुश होती है। फिर आगे उसकी फर्स्ट क्लाइंट आती है यान। वो बताती है कि जब भी वो अपने बॉयफ्रेंड के करीब जाती है या किसी भी आदमी के करीब जाती है तो वो सामने वाले के ऊपर अटैक कर देती है, इसीलिए अब उसके सारे मेल फ्रेंड्स भी उससे कतराने लगे हैं। तो उसकी ये बात सुनने के बाद मास्टर सीइन बताते हैं कि ये समस्या एक्चुअली उसके पास्ट से जुड़ी हुई है। पास्ट में यान एक नोबल फैमिली से थी और वो एक जनरल से प्यार करती थी और उससे उसकी शादी भी होने वाली थी, लेकिन जब वो जनरल एक युद्ध पे चला गया तो उसके छोटे भाई की नियत बिगड़ गई जो कि यान को पसंद करता था। तो उसने यान के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो यान दुखी होकर सुसाइड कर ली, जिसके बाद जब उसका फियोंसी वापस आया तो उसे सब पता चला। उसने गुस्से में अपने छोटे भाई को मार दिया और उसके बाद यान की समाधि पे जाकर अपनी भी जान दे दिया। तो बेसिकली मास्टर सीइन का यही काम रहता है कि उनके यहाँ जो भी क्लाइंट आते हैं अपनी पास्ट की समस्या की वजह से ही उनके प्रेजेंट में कुछ न कुछ प्रॉब्लम रहती है, तो वो पास्ट में कुछ बदलाव करके प्रेजेंट को ठीक करते हैं और बदले में उन्हें अपने क्लाइंट से एक सच्चा आंसू चाहता है। तो एइन पहली बार टाइम ट्रैवल करने वाली रहती है, वो काफी एक्साइटेड रहती है, लेकिन उसके मास्टर सीइन उसे साफ साफ बताए रहते हैं कि वो पास्ट में चिन डायनेस्टी में जा रही है और वो पास्ट में मॉडर्न जमाने की कोई भी चीज नहीं ले जा सकती है। लेकिन आजकल के मॉडर्न जमाने में बिना कोई सेलफोन के कैसे रह सकता है, भले उसका काम हो या न हो। तो एइन तो ठानी रहती है कि वो काफी सारी चीजें लेकर जाएगी और उन्हें अपने कपड़ों में छुपा कर लेकर जाने ही वाली रहती है, लेकिन फिनियाओ उसकी सारी पोल खोल देता है। लेकिन फिर भी एइन किसी तरीके से छुपाकर अपना सेलफोन तो अपने साथ ले ही लेती है। तो मास्टर सीइन उसे एक ब्रेसलेट देते हैं और बताते हैं कि तुम इस ब्रेसलेट को खोना मत, क्योंकि इसी ब्रेसलेट के जरिए तुम वापस टाइम ट्रेवल करके आ सकती हो। तो फाइनली उसके मास्टर सीइन अपना मैजिक शुरू करते हैं और एइन टाइम ट्रैवल करके पहुंच जाती है चिन डायनेस्टी। तो पास्ट में वो एक जंगल में पहुंचती है और उसे शहर जाना रहता है। वो परेशान ही होती है कि तभी उसके सामने कोई घोड़े पे सवार होकर आता है और उसका एक्सीडेंट होने से बचता है। तो एइन ये देखकर शॉक्ड भी और खुश भी हो जाती है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उसके मास्टर ही रहते हैं। लेकिन एइन जैसे ही खुश होकर उस आदमी के करीब जाती है और वो आदमी उसके साथ बहुत ही रूड बिहेवियर करता है, एइन को समझते देरी नहीं लगती है कि ये उसके मास्टर हो ही नहीं सकते हैं। एंड उसके बाद एइन अपना तिगड़म लगाना शुरू करती है एक बेचारी सी लड़की बनके कि वो जंगल में फंसी हुई है और उसे शहर जाना है, लेकिन उस आदमी पे उसका तिगड़म काम नहीं करता है। खैर, वो आदमी उसे लिफ्ट दे ही देता है और शहर तक आकर उसे छोड़ता है। तो एइन उसे अपना नाम एइन बताती है और वो बताता है कि उसका नाम वेनजेंग है, और जब एइन कहती है कि अगर फ्यूचर में उसे भी उसकी कोई हेल्प चाहिए तो वो दे देगी, तो वेनजेंग रूडली कहता है कि उसे
जरूरत नहीं होगी। तो एइन ये नोटिस करती है कि वहाँ पे सभी लोग उसे घूर घूर कर देखे जा रहे हैं। तो एइन ये सोचकर खुश होती है कि मॉडर्न जमाने के अलावा पास्ट में भी उसे सभी सुंदर समझ रहे हैं, इसीलिए घूर घूर के देखे जा रहे हैं। लेकिन इसके पीछे तो एक्चुअली रीजन कुछ और रहता है। वो वहाँ के डायनेस्टी के हिसाब से गलत गेटअप कर ली रहती है। खैर, उसके बाद वो एक रेस्टोरेंट में जाती है क्योंकि उसे भूख लगी रहती है। वहाँ पर वो एक डिश ऑर्डर करती है जो वहाँ बैन रहता है और सैनिक आकर उसे अरेस्ट कर लेते हैं। तो एइन को सैनिकों के हेड के पास पेश किया जाता है और जब वो एइन से उसका पहचान पत्र मांगते हैं तो एइन गलती से अपना आईडी कार्ड दे देती है जो कि उनके पल्ले नहीं पड़ता है। एइन को भी तुरंत ये रियलाइज होता है कि यहाँ तो उसने गलती कर दी। और जब वो अपना पहचान प्रूफ नहीं कर पाती है तो उनको ऐसा लगता है कि वो किसी दुश्मन देश की स्पाई है। तो वहाँ का राजा ये घोषित किया रहता है कि अगर वहाँ पर कोई भी स्पाई पकड़ा जाए तो उसे तुरंत मौत की सजा दी जाए। तो इसीलिए एइन को वहाँ पे तुरंत मौत की सजा मिल जाती है। और एइन जब अपना मैजिकल कार्ड यूज करके वहाँ से गायब होने की कोशिश करती है तो चूंकि उसकी मैजिक स्किल अच्छी नहीं रहती है इसलिए वो फेल हो जाती है। और उसके इस एक्ट की वजह से वो सब उल्टा उसे एक डायन समझ लेते हैं। तो फाइनली जनता के सामने उसका गला काट कर उसे मौत की सजा दी जाती है। तो एइन उस जल्लाद से बचने की कोशिश करती है लेकिन तभी वहाँ पर अचानक एंट्री होती है इस ड्रामा के हीरो यालोंग की। तो यालोंग वहाँ पर पहुँचता है और एइन उसे देखते ही फ्लैट हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो ये देखती है कि ये हैंडसम मैन तो एक वैम्पायर है, वो डर जाती है। यालोंग उसे बचाकर वहाँ से तुरंत लेकर चला जाता है। तो एइन उसे थैंक्स कहकर वहाँ से जाने लगती है। यालोंग कहता है कि मैं इस बार तुम्हें जाने नहीं दूंगा। वो उसे एइन के नाम से बुलाता है तो एइन शॉक्ड होती है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। वो कहता है कि मैं 700 सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, आखिर तुम मुझे भूल कैसे गई। एइन सोचती है कि इससे तो मैं पहली बार मिल रही हूँ और ये 700 सालों से मेरा इंतजार कैसे कर रहा है। एइन उससे पीछा छुड़ाने के लिए अपने सेलफोन में उसका पिक खींचती है और कहती है ये आत्मा को कैप्चर करने वाला डिवाइस है। और उसकी फोटो दिखाकर कहती है कि इसमें तुम्हारी आत्मा कैप्चर हो गई। तो यालोंग मुस्कुराता है और कहता है कि तुम अपने फोन से फिर से मुझे डराने की कोशिश कर रही हो। एइन शॉक्ड होती है और कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि ये फोन है। वो अपना मैजिकल कार्ड यूज करने की कोशिश करती है लेकिन यालोंग उसे भी ले लेता है और कहता है कि तुम फिर से अपना चार्म कार्ड यूज करने जा रही हो। एइन ये जानकर शॉक्ड होती है कि यालोंग को उसके बारे में सब कैसे पता है। यालोंग उससे कहता है कि तुम मेरी दुल्हन हो और इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अगर तुमने ज्यादा जिद किया तो मैं तुम्हें बाइट कर लूंगा। उसके बाद एइन अपने फोन का फ्लैशलाइट ऑन कर देती है। यालोंग उससे थोड़ा सा घबरा जाता है और एइन मौका देखते ही वहाँ से अपना चार्म कार्ड लेकर निकल जाती है। तो भले ही यालोंग को सेलफोन के पिक्चर खींचने वाले फंक्शन के बारे में पता हो, बट बेचारे को सारे फंक्शंस के बारे में पता नहीं रहता है, इसलिए वो थोड़ी देर के लिए चौंक गया रहता है। लेकिन आगे जब वो देखता है कि एइन मौके का फायदा उठाकर इस बार फिर से वहाँ से चली गई तो वो कहता है कोई बात नहीं, तुम यहाँ पर आई गई हो और अगली बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। बट यहाँ सवाल ये उठता है कि एइन ने तो पहली बार टाइम ट्रैवल किया था तो यालोंग उसको पहले से कैसे जानता था और वो 700 सालों से उसका इंतजार कैसे कर रहा है। और इनकी मिस्टीरियस लव ट्रायंगल देखने के लिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।